हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रिंस और सिंपल सोना टेक में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक डीडी फ्री डिश का सप्लाई है जो कि नया है। आप किसी भी पुराने सप्लाई को या डीडी फ्री डिश सप्लाई को बिना मदरबोर्ड को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। आपको जब भी रिपेयर करें या किसी सप्लाई में आपके पास कोई रिसीवर आया और उसको आपको पता करना है कि यह दिक्कत जो है वो सप्लाई में है या मदरबोर्ड में है, तो इसको चेक करने के लिए हमें जो है पहले इस सप्लाई को 220 वोल्ट देना होगा। दोस्तों, मैं प्रोफेशनल हूँ इसलिए मेरे पास ये मेल और फीमेल दोनों, ये मेल सॉकेट है, ये फीमेल सॉकेट है, मैं इसमें 220 वोल्ट दे रहा हूँ। दोस्तों, आप ऐसा करने से पहले अपना सेफ्टी का पूर्ण पूर्ण तरीके से ध्यान रखें तो ही आप काम करें। दोस्तों, अभी मैं इसमें 220 वोल्ट दे चुका हूँ। मेरे पास है एक मल्टीमीटर और अभी जो है हमारा फर्स्ट चेकिंग होगा। किसी भी पुरान सप्लाई को आप जैसे रिपेयर करते हैं या चेकिंग होता है, पहले एक बार आप मेन कैपेसिटर जो होता है फिल्टर कैपेसिटर, यह 450 वोल्ट दिखा रहा है आपको और 47 माइक्रोफेरेड, इस पर जो है हमें 200 वोल्ट को रेंज में रखना है और इसे जो है हमें चेक करना है। आप देखिए यहाँ पे 300 वोल्टेज के कुछ करीब बनेगा, 300 वोल्टेज बन रहा है हमारा पावर सेक्शन का, ये फिल्टर तक ठीक है, फिल्टर जो कैपेसिटर होता है वहाँ तक। अब आते हैं इसे 20 वोल्ट करते हैं, आउटपुट चेक करने को आपको बता दूं मैं। ये जो है 5 वोल्ट ग्राउंड, 24 वोल्ट और ये 15 वोल्ट और फिर ग्राउंड और ये 3.3 वोल्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी होगा, आपको मैं एक जूम करके दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आप इसके पिन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट और ये रहा ग्राउंड, दिख रहा है दोस्तों, ये 12 वोल्ट, 24 वोल्ट ग्राउंड और 5 वोल्ट। ये जो है हमारे इतने सारे वायर में आपको इतने इतने वोल्ट मिलेंगे, ये इसमें पहले से मेंशन किया हुआ होगा। और यहाँ पे एक 12 वोल्ट मिलेगा इसलिए ताकि आप जो है अपना एम्पलीफायर या किसी भी ऑडियो किट को आप जोड़ सकते हैं। इसे जो है मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 12 वोल्ट हमें मिल रहा है, 12 वोल्ट करीब। इसे जो आप 12 वोल्ट की ऐड करके किसी भी ऑडियो सेक्शन की ऑडियो आईसी आप जोड़ सकते हैं, 12 वोल्ट की एम्पलीफायर जोड़ सकते हैं। अभी जो है इसके हिसाब से मैं यहाँ पे आप देख सकिए ग्राउंड, ये ग्राउंड डाल रहा हूँ मैं, आपको दिखा दूँ मैं। दोस्तों, काम करते वक्त आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ये जो लाइन दिया गया है इस साइड आप कहीं भी हाथ डालेंगे तो आपको बिजली के झटके नहीं लगेगा। दोस्तों, इस सेक्शन में आउटपुट सेक्शन है, इधर आप यहीं भी हाथ डालेंगे आपको बिजली के झटके नहीं लगेंगे, पर इस साइड आप जब भी डालेंगे इस साइड आपको हाथ नहीं डालना है। ये जो दूसरा पावर सेक्शन है, इस साइड आप हाथ डालेंगे, हाथ लगाएंगे, आपको बिजली के झटके लग सकते हैं, लगेंगे भी। और मैं ऐसा गलती करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 220 वोल्ट है एसी सप्लाई और यहाँ पे बिजली जो है वो लग सकता है मुझे, इसलिए मैं उस साइड हाथ ही देने वाला नहीं हूँ। इस बात का ध्यान रखें, आप प्रोफेशनल हैं, आपको जानकारी है तो ही ये काम करें, नहीं तो ना करें, ठीक है। दोस्तों, अभी जो है मैं यहाँ पर दिखा दूँ, 5 वोल्ट ये होना चाहिए आपको, 24 वोल्ट देखिए दोस्तों, 20 वोल्ट के ऊपर होना चाहिए, 21 वोल्ट से 24 वोल्ट आपको मिलना चाहिए, नहीं से 24 वोल्ट मिलना चाहिए, सॉरी दोस्तों। देखिए 20-22 वोल्ट है, ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है। और ये ग्राउंड वाला पिन है, आगे वाला जो है 12-13 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक मिलना चाहिए इसमें, 16.6, ये भी ठीक है, ये ग्राउंड का पिन है। और इसके बाद 3.3 में 4 वोल्ट तक मिलना चाहिए, 4.5 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। ये लोड पर जो है वो 3.3 घट जाता है वोल्टेज, तो ठीक है दोस्तों। आप इसी तरह किसी भी सप्लाई को चेक कर सकते हैं, ये सप्लाई ओके है, मैं आपको मदरबोर्ड लगाकर आप दिखा दूँ। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक जो है ये मदरबोर्ड है और ये सप्लाई है और ये नया मदरबोर्ड है और ये डिस्प्ले के लिए पैनल है जो कि शो करता है ऑन है या नहीं। तो चलिए मैं इसको जो है यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये हो गया। और एक बेसिकली डीडी फ्री डिश के बॉक्स में यही होता है, यही दो चीज़ें होती हैं, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई। आप देख सकते हैं इसे जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको ये जो कटिंग है ये अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है और ऑन हो चुका है, हमारा सप्लाई भी सही है और ये मदरबोर्ड भी सही है। दोस्तों, इसी तरह आप किसी भी सप्लाई को चेक कर सकते हैं। आपको ये 3.3 वोल्ट भी मैं आपको दिखा दूं,
देखिए दोस्तों, मैंने बोला था ये 3.3 वोल्ट कम हो जाएगा, ये जो है अभी कम हो चुका है, 3.2 वोल्ट हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।